ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई और हमारे देश को देश के लोकतंत्र पर संविधान पर खतरे हो रहे हैं। ऐसे समय में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और ये किताब बिल्कुल इस देश भर में लोगों को एक ज्योति प्रकाश करेगा, बताएगा। यूं तो नीतीश कुमार और मैं साथ साथ रहे हैं। जब हमारी सरकार दिल्ली में थी उन दिनों में बीपी सिंह जी के समय में, तो नीतीश कुमार और हमें ये काफी उम्मीद था कि हम लोगों को दिल्ली के सरकार में हम लोगों को स्थान मिलेगा। हम और नीतीश कुमार जी बराबर कपड़ा अपना पहन ओन के ड्रेस पहन करके हम हमेशा तैयार रहते थे कि हम लोग का ओथ होगा, मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। शरद यादव जी नहीं हैं, हम लोग के साथ में थे और वे मंत्री बने थे दिल्ली की सरकार में, और हम लोग को बताया गया था कि नीतीश जी और आपका ओथ एक साथ होगा और हम लोग प्रतीक्षा में थे। लेकिन नीतीश कुमार का और मेरा ये स्वभाव प्राप्त हुआ कि हम मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार जी दिल्ली में मंत्री बने। वहां और देश के सेवा में, देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में मंडल कमीशन को लागू करने में पिछड़े दलित अकलियत के लोगों को काफी ऊंचा स्थान देने में हम लोगों ने काफी अपना समय बिताया और आज भी बिता रहे हैं। आरक्षण पर खतरा पैदा कर रहा नरेंद्र मोदी, भ्रष्टाचार की बात करता है, इससे बढ़ के बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है। अदानी से लेकर के सब लोग आप जानते होंगे, और एमएलए लोगों को खरीदना ये आम बात हो गई है। दिल्ली के बाद वहां महाराष्ट्र के बाद देखा हमने कि बिहार पर बाधी है, बिहार पर बाधी मैंने बिहार को अब हम लोग तोड़ेंगे। बिहार उड़ती चिड़िया की हदली लगाता है, तुम क्या छोड़ोगे बिहार को? हम लोग इसको एकजुट होकर के देश के लोकतंत्र को मजबूती लाएंगे, संविधान को मजबूत करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हमारे जो भाई हैं, और आजकल देख रहे होंगे आप कि ये बात चल रही है कि सभी लोग को सभी लोगों को इकट्ठा करने के बजाय फिर भाई भाई में नफरत फैलाने के काम हो रहे हैं। हम इसका मुकाबला करेंगे। मैं उदयकांत जी को काफी धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। सुभाषिनी अली जी आई हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, और काफी हम लोग एकजुट होकर के भारत की रक्षा करेंगे, भारत की एकता अखंडता को मजबूत करेंगे। और ये किताब, आज का जो दिन है ये बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है। ऐसे समय पर मुझे मौका मिला
लोकार्पण करने का किताब को जीवनी को जो उन्होंने लिखा है जितना इनको समझ में था और नीतीश कुमार बिल्कुल साधारण घर से निकले हुए नेता हैं। पिताजी इनके आपको मालूम होगा कि बिल्कुल वैद्य थे, सभी लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मृत्यु के बाद लीडर अपोजिशन का पद खाली हो गया था। यहां नेता विरोधी दल कौन बनेगा उनके जगह पर? हम लोग इकट्ठे थे, हम लोग एक साथ थे, नीतीश जी हुए सब हमारे साथ, सीनियर सीनियर नेता भी थे, स्वर्गीय अनूप लाल यादव जी, विनायक बाबू, मुंशी लाल राय, ये सब चाहते थे कि कर्पूरी जी के जगह पर उन लोगों को स्थान मिले, लेकिन नीतीश कुमार ने उनका काफी योगदान और सहयोग मिला और मेरे पक्ष में खड़ा होकर के नीतीश कुमार ने नेता विरोधी दल बनाया। तब से हम लोग सब साथ साथ काम कर रहे, अभी भी कर रहे हैं और हम लोग एकजुट हैं। सुना चर्चा कर रहा सब कि बिहार में एमपी लोगों को तोड़ दिया जाए, एमपी को तोड़ो, बिहार में से निकालो, बिहार कहाँ हिलता डुलता है, हिलने डुलने नहीं देंगे हम लोग बिहार में, ना बिहार हिलेगा ना डुलेगा और बिहार से ही इनका सफाया होगा, होना तय है। मैं अंत में सभी लोगों को, बहुत मोटा किताब है पढ़ने में टाइम लगेगा आप लोगों को और हमको तो काफी टाइम लगेगा, हम खुद पढ़े हुए हैं तो हम ज्यादा कितना पढ़ेंगे इसको जानते ही है सब, लेकिन आप जरूर पढ़िएगा इसको समय निकाल करके, उदयकांत जी किताब को इसको भेजेंगे, बहुत सारा किताब लोगों ने लिखा है, लिखेंगे लोग भी और आप तक प्रकाशित होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद रखे हुए आप लोग, उदयकांत जी को काफी धन्यवाद, विद्वान है उदयकांत जी, धार्मिक आदमी है, काफी धर्म के प्रति इनकी रुचि है और हमें भी आशीर्वाद देते रहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, बाकी हमारे नेता। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।